हाय दोस्तों, मैं हूँ किरण। आज हम बनाएंगे होममेड फर्टिलाइज़र। ये फर्टिलाइज़र पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है। देखिए, मेरे गार्डन में पोटुला का फूल में अब एक दो फूल खिलने लगे हैं, जिसमें है ऑरेंज, पिंक, वाइट, येलो, ये सारे कलर के फूल खिलने लगे हैं। रोज़ एक दो फूल खिल रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहा है। देखिए, किसी भी फर्टिलाइजर को देने से पहले अपने पौधों को अच्छे से गुड़ाई करना बहुत जरूरी होता है। सभी पौधों को अच्छे से गुड़ाई कर ले, उसके बाद ही फर्टिलाइजर डालें। पौधों को गुड़ाई करने के बाद फर्टिलाइजर डालने से पौधों में जल्दी असर करता है और रिजल्ट जल्दा जल्दी आता है। इसलिए सभी पौधों को अच्छे से गुड़ाई कर लें, उसके बाद ही फर्टिलाइजर डालें। गुड़ाई करने से क्या बोलते हैं, गुड़ाई करने से जड़ों में हवा जाती है और धूप भी अच्छे से पड़ता है पौधों पे, तो मिट्टी अच्छे से सूखी रहती है, तो फर्टिलाइज़र डालने में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। देखिए, अच्छे से गुड़ाई हो गया है। अगर मिट्टी गीली रहेगी और उसमें फर्टिलाइज़र देंगे या पानी देंगे तो फंगस पड़ जाता है। देखिए, यह पनीर का पानी, कभी भी मतलब पनीर का पानी ना फेंके, इसे फर्टिलाइज़र बना के पौधों में दे। एक बाल्टी पानी में डालें पनीर के पानी को, फिर थोड़ा थोड़ा करके सभी पौधों में डाल दें। सभी पौधों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। थोड़ा थोड़ा ही डालें, ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, थोड़ा थोड़ा ही दें सभी पौधों पे। ये पौधों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। कभी भी दूध फट जाए तो उसे पनीर बना ले और पानी ना फेंके, उसे फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ कर ले। पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होता है ये। देखिए, आज के लिए इतना ही दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले। थैंक यू, बाय बाय।